धर्म संभाव के प्रतीक सूफी संत हजरत बाबा सैयद मोहम्मद ताजुद्दीन औलिया रहमतुल्ला अलैह का सालाना उर्स ताजबाग शरीफ उमरेड रोड स्थित ताजबाग में मनाया जाने वाला है। देश भर के जायरीन बाबा हुजूर के दरबार में हाजिरी लगाने के लिए एकत्रित हो रहे हैं। उसका आगाज परचम कुशाही की रस्म के साथ गुरुवार को सुबह 9 बजे श्रीमंत पंचम राजे रघुजी राव भोसले के हाथों किया जाएगा। इस उर्स का खास जायजा लिया है हमारे प्रतिनिधि ने। उर्स के तहत कई कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत 10 अगस्त को सुबह 9 बजे परचम कुशाही की जाएगी, 12 अगस्त को रात 9 बजे अंतर्राष्ट्रीय मिलाद एवं कवाली का आयोजन किया जाएगा, 13 अगस्त को रात 10 बजे अंतर्राष्ट्रीय सूफी संत समा महफिल बांधेंगे, 14 अगस्त को सुबह 10 बजे शाही संदल निकाला जाएगा, 15 अगस्त को सुबह 10 बजे छोटा कुल और रात 10 बजे ऑल इंडिया नातिया मुशायरे का अहतमाम किया जाने वाला है। इसी दिन खानका सज्जादा नशीन में रात 10 बजे महफिल समा का अहतमाम किया जाएगा, 16 अगस्त को सरकार ताजुल औलिया के सज्जादा नशीन सैयद अब्दुल रब ताजी का उर्स और संदल निकाला जाएगा, इसी दिन रात 9 बजे मिलाद और तकरीर का अहतमाम किया जाएगा। वहीं 17 अगस्त को सुबह 10 बजे बड़ा कुल शरीफ पढ़ा जाएगा, वहीं 18 अगस्त और 22 अगस्त को रात 10 बजे ऑल इंडिया कव्वाली महफिल का आयोजन किया जाएगा, तो 20 अगस्त को रात 10 बजे ऑल इंडिया नात एवं कव्वाली महफिल का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम का आयोजन हजरत सैयद मोहम्मद बाबा यूसुफ इकबाल ताजी सज्जादा नशीन दरबार ताजुल औलिया की जेरे सरपरस्ती में किया जाएगा। वहीं सैयद जरबीर ताजी सैयद तालिफ ताजी फरजंदा सज्जादा नशीन के जेरे कयादत में शहजादे फखले आजम हजरत अल्लामा मुफ्ती अब्दुल कदीर खान के जेरे सदारत में किया जाएगा। हजरत बाबा ताजुद्दीन इनका 101वां उर्स जो है बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और इसके लिए जो है दरगाह की ओर से तैयारियां की गई है। हमारे साथ है सज्जादा नशीन सैयद तालिब ताजी जी, हम इनसे जानेंगे कि किस तरह की उर्स की जो तैयारियां है की गई है, इस साल का 101वां उर्स है, क्या बताओ। सबसे पहले आप सभी को अस्सलाम वालेकुम, जितने भी भारत में रहने वाले सबको मेरी तरफ से आदाब भरा सलाम। हमारे सरकार का 101वां उर्स हज़रत सैयद मोहम्मद बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का है। कल से उर्स का आगाज़ होगा, कल सुबह 10 बजे परचम कुशाई हमारे भोसले महाराज के हाथों से की जाएगी और उसके बाद सरकार का उर्स का आगाज़ होगा परचम कुशाई के बाद में, और उसके बाद में 12 तारीख को मिलाद और इंटरनेशनल कव्वाली का अहतमाम किया गया है रात में 10 बजे, और 14 तारीख को 13 तारीख को भी इंटरनेशनल सूफियाना महफिल शिमा रखा गया है, और 14 को सरकार का 26वीं और सरकार का शाही संदल जो पूरे वर्ल्ड में फेमस है, तो वो सुबह सरकार का संदल सुबह 10 बजे निकलेगा और शहर का गश्त करता हुआ शाम में दरबार शरीफ में आएगा, सरकार के बारगाह में पेश होगा। और जितने भी मैं लोग हैं सरकार के चाहने वाले, सभी से मैं गुजारिश करता हूं कि आप लोग आए सरकार के उर्स में। बड़ा अच्छा इंतज़ाम इस बार किया गया है, हर चीज़ की सुविधा की गई है, कोई आपको कोई चीज़ की यहां परेशानी नहीं होगी, आपको ना खाने की परेशानी होगी ना कोई चीज़ की। आप लोग आए और तमाम लोगों से मैं इल्तिजा करता हूँ कि सरकार आपकी, जितने भी आने वाले हैं सरकार को, सरकार आपकी हाजिरी को कबूल फरमाए, आपकी तमाम परेशानियों को दूर फरमाए और आप सब
सबको मैं ईद की उर्स की बहुत बहुत दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ आपको और आपके चैनल को भी और तमाम सरकार के चाहने वाले जितने भी इंडिया में और इंडिया के बाहर है सबको और सबका सरकार सबकी हाजिरी को कबूल फरमाए यही दुआ करता हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम। तो हज़रत बाबा ताजुद्दीन ये जो है सर्वधर्म समभाव के प्रतीक है क्योंकि यहाँ हर जाति धर्म पंथ के लोग आते हैं और अपनी जो है माथा टेकते हैं और अपनी मन्नतें जो है यहाँ मांगते हैं बाबा से मांगते हैं और ये 101 उर्स के लिए जो है पूरी तैयारियाँ की गई है जैसे कि हमें अभी तालिब ताजी जी ने बताया है कि क्या तैयारियाँ यहाँ की गई है कौन से कार्यक्रम यहाँ होने वाले जो धार्मिक कार्यक्रम है और आप भी आइए और मन्नतें जो है आपकी मुरादें जो है बाबा के पास आई है और आपकी मन्नतें जो है बाबा के दरबार में पूरी होगी। तो ये जो उर्स का त्यौहार होता है उर्स का जो माहौल होता है यहाँ आकर आप भी यहाँ का आनंद लीजिए। हर साल की तरह इस बार भी हजरत बाबा ताजुद्दीन का उर्स जो है बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आप देख पा रहे हो कि किस तरह से यहाँ पे जो है तैयारियाँ की गई उर्स के लिए। इस साल का जो उर्स है वो 101 वा उर्स है और 101 के उर्स के लिए जो है दरगाह की ओर से कई तैयारियां की गई है। जो श्रद्धालु आएंगे उनकी सुरक्षा की व्यवस्था भी यहाँ कड़ी की गई है। इसके साथ ही साथ उनके रहने की व्यवस्था खाने की व्यवस्था से लेकर सभी व्यवस्थाएं जो है यहाँ की गई है। इसके साथ ही जो है दरगाह परिसर में काफ़ी अच्छा जो है सजावट भी की गई है लाइटिंग हो झूमर हो और ख़ास तरीके से यहाँ पे जो है छतरियों का यहाँ पे इस बार जो है सजावट हमें देखने मिली है वो काफ़ी नई है। इसके साथ ही जो है विविध कार्यक्रम का आयोजन यहाँ होने वाला है जिसके लिए डोम भी तैयार किए गए हैं। बारिश का समय होने से जो है ये वाटरप्रूफ डोम यहाँ बनाए गए हैं और पूरी तरह से जो है कल के उर्स के लिए दरगाह की ओर से तैयारियाँ पूरी की गई है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ मैं क्षितिजा देशमुख BCN न्यूज़ नागपुर।